लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भगवा दल की सीटें कम हुई हैं। सबसे बड़ा सियासी उलटफेर यूपी में दिखाई दिया, जहां पर सपा और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके चलते यूपी में साइकिल इतनी तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने के पीछे एक वजह योगी फैक्टर का काम ना करना भी है। पूरे चुनाव के दौरान राजपूत समाज भी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से काफी नाराज दिखा और बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करता रहा। क्षत्रियों की नाराजगी के पीछे एक वजह योगी आदित्यनाथ को लेकर समय समय पर चल रही बातें भी थी। ये चर्चाएं आम थी कि फिर से मोदी सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी सीएम के पद से हटाया जा सकता है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार ये दावा किया। इन चर्चाओं की वजह से राजपूत वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ दिखाई दिया। इनके अलावा यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने और सपा व कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने के पीछे राहुल गांधी अखिलेश यादव के वादे भी हैं। दोनों नेता हर चुनावी रैली में दावा करते रहे कि यदि मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटें जीतती है तो संविधान में बदलाव करके आरक्षण को हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर पिछड़ों को अपने और सपा के साथ जोड़ लिया। अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला भी काम कर गया और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय का वोट इंडिया गठबंधन की ओर चला गया। पिछले एक दशक में कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष बीजेपी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाता रहा। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की बढ़ती कीमतों के जरिए भी बीते 10 सालों में विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। इस चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महंगाई का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया, जिसका असर आज हुए चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। वहीं विपक्षी नेता बेरोजगारी बढ़ने का भी दावा करते रहे और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सरकार बनने पर 30 लाख नौकरियों का वादा कर दिया। नतीजों को देखकर लगता है कि उनका ये वादा युवा वोटर्स को अपनी ओर जोड़ने में कामयाब रहा। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार अपने मैनिफेस्टो में कई अहम वादे किए। इनमें से एक वादा गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए और सालाना 1,00,000 रुपए देने का था। राहुल गांधी हर रैली में ये वादा दोहराते नजर आए, जिससे दूर दराज गाँवों में रह रहे परिवारों तक ये पहुँच गया। मंच से राहुल द्वारा कहे गए खटाखट जैसे नारों ने भी लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया और लोगों के दिमाग में 1,00,000 रुपए हर साल दिए जाने की बात बैठ गई। ये सब मुद्दे और वादे आखिरकार इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए और सपा व कांग्रेस दोनों की ही सीटों पर काफी फायदा हुआ। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।